बच्चों आओ मिलकर बचाएं। कविता अब अंतिम मुकाम पर पहुंच चुकी है, व्याख्या पूरी हो चुकी है और अन्य सारी चीजें भी पूरी हो चुकी हैं। अब इसका केवल प्रश्नोत्तर बचा हुआ है। तो आज मैं इस वीडियो में आप सबको प्रश्नोत्तर के बारे में बताऊंगा, बताने जा रहा हूं। बच्चों इसमें दो सेगमेंट हैं, दो वर्ग हैं, कविता के साथ और कविता के आसपास। कविता के साथ कुल 6 प्रश्न हैं और कविता के आसपास कुल 2 प्रश्न हैं। कुल 8 प्रश्न इस बुक में हैं, इस चैप्टर में हैं, और आपको पूरे के पूरे 8ों प्रश्न अपने क्लास नोटबुक में करना है। एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। मैं सारे प्रश्नों का हिंट यहां पर दे रहा हूं। मैं जो उत्तर बताने जा रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि यही एग्जैक्ट उत्तर आप लिखेंगे। आप अपने तरफ से उसमें हेर फेर करके अपने शब्दों और भावों को भी बदल सकते हैं। यहां पे मैं एक आइडियल एक शेप दे रहा हूं कि आपका आंसर किस डायरेक्शन में होना चाहिए। कविता के आसपास और कविता के साथ। कविता के साथ कुल 6 प्रश्न हैं। इनमें से जो पहला प्रश्न है, माटी का रंग प्रयोग करते हुए कवि किस बात की ओर संकेत करता है? तो उत्तर है इसका, कवयित्री ने माटी का रंग, एक फ्रेज है, एक आप कह सकते हैं कि एक मुहावरा के रूप में है। इसका जो भाव है वो ये है कि इसके माध्यम से कवयित्री संथाल परगना की जो स्थानीय विशेषताएं हैं, जो वहां की लोकल क्वालिटीज हैं, इसके बारे में बात करना चाहती हैं, बताना चाहती हैं। संथाल परगने के लोगों में जुझारपन, अक्खड़पन, नाच गाने की प्रवृत्ति, सरलता आदि जो विशेषताएं हैं, वो उनकी मिट्टी से, उनकी जमीन से, उनकी संस्कृति से जुड़ी हुई है। कवयित्री चाहती है कि आधुनिकता के चक्कर में हम अपनी इस मिट्टी से जो सनी हुई संस्कृति है, मिट्टी से जो सरोबार, जो अपनी संस्कृति है, उसको तुच्छ न समझें, उसको हीन न समझें और अपनी पहचान बनाए रखने के लिए उसको संजो कर रखें, उसको अपने व्यवहारिक जीवन में उसका अनुपालन करें, उसको प्रयोग में, व्यवहार में लाएं। जो इसका दूसरा प्रश्न है, भाषा में झारखंडीपन से क्या अभिप्राय है? भाषा में झारखंडीपन से अभिप्राय कि जो झारखंड की भाषा है, जो उसकी बोली है, जो उसका विशिष्ट उच्चारण है, उसको सजो कर रखें, उसी के हिसाब से उसमें कोई परिवर्तन ना करें। कवयित्री चाहती है कि संथाली लोग, जो उनकी अपनी जो भाषा है झारखंड की, उसकी जो स्वाभाविक विशेषताएं हैं, उसकी जो नेचुरल टंग है, बोलने का तरीका है, उसका जो लिटरेचर है, उसके जो साहित्यिक परिदृश्य में या बोलचाल की परिदृश्य में जो उसकी खास विशेषताएं हैं, उसको नजरअंदाज ना करते हुए उसको व्यवहारिक जीवन में जहां जरूरी हो वहां पर स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से उसका प्रयोग करें। प्रश्न नंबर 3 है, दिल के भोलेपन के साथ साथ
अक्खड़पन और जुझारपन को भी बचाने की आवश्यकता पर क्यों बल दिया गया है? दिल का भोलापन सच्चाई और ईमानदारी का प्रतीक होता है, और ईमानदारी के लिए यह सरलता और सहजता जिसे भोलापन कहते हैं वो बहुत जरूरी है। लेकिन इस भोलेपन का लोग फायदा उठाते हैं, चालाक और स्वार्थी लोग, इसलिए हर समय भोलापन ठीक नहीं होता है। भोलेपन का जो फायदा उठाना चाहते हैं उनके साथ अक्खड़पन दिखाना जरूरी है। अपनी बात को मनवाने के लिए अकड़ भी होनी चाहिए और कर्म करने की प्रवृत्ति भी बहुत जरूरी है। सरल सीधे हैं और अकर्मण्य हैं तो लोग उनकी कोई उपयोगिता नहीं रहे समाज में, परिवार में। या सरल सीधे हैं, सच्चे हैं, भोले हैं तो उनको लोग अक्सर बेवकूफी ही बनाएंगे। तो कर्म की प्रवृत्ति होना और एक जिद और अकड़ होना, ताकि उनका कोई गलत उपयोग ना कर सके उनके सच्चाई का, उनके सिधाई का, उनकी ईमानदारी का, इसलिए ये दोनों प्रवृत्ति बहुत जरूरी है और इन दोनों गुणों को बचाने पर वो जोर देती है। प्रश्न नंबर 4 है, प्रस्तुत कविता आदिवासी समाज की किन बुराइयों की ओर संकेत करती है? इस कविता में आदिवासी समाज में जो जड़ता है, काम कर्म के प्रति जो अरुचि है, बाहरी संस्कृति का जो अंधानुकरण है, और सबसे बड़ी बात जो नशाखोरी है, नशा करने की जो प्रवृत्ति है, जो अशिक्षा की प्रवृत्ति है, अपनी भाषा के प्रति जो अरुचि है, परंपराओं के पालन के प्रति और परंपराओं को हीन समझने और गलत समझने की वजह से जो संस्कृति में बुराइयां आ गई हैं, उन समस्त स्वाभाविक और प्राकृतिक रूप से जो विकृतियां आई हैं वे इन बुराइयों की ओर कवयित्री संकेत करती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है से क्या अभिप्राय है? कवयित्री का कहना है कि आज के विकास के, आज समाज के, देश के विकास के कारण, तकनीकी के विकास के कारण भले ही मानवीय मूल्य उपेक्षित हो गए हैं, मानवीय संस्कार और संस्कृति की लोग उपेक्षा करते हैं, प्राकृतिक संपदा नष्ट हो रही है, फिर भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम अपने प्रयास से बचा सकते हैं। लोगों का विश्वास, उनकी टूटती उम्मीदों को जीवित रखना और सपनों को पूरा करना, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसे तत्व हैं जिन्हें हम सामूहिक प्रयास से बचा सकते हैं। और अगर सपने बच गए, आस विश्वास बच गया, तो बहुत कुछ बच सकता है। इसलिए कवयित्री इस दौर में भी, जब बहुत कुछ खत्म हो चुका है, बहुत कुछ नष्ट हो चुका है, बचाने की बात करती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को उद्घाटित कीजिए। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट पहला है, दूसरा इसमें दो पार्ट है, और ख थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं। ये दो है, क और ख, और इन दोनों का ही आपको काव्य सौंदर्य लिखना है। काव्य सौंदर्य के दो तत्व होते हैं, जो एक भाव सौंदर्य और दूसरा शिल्प सौंदर्य। जो भाव सौंदर्य में जो व्याख्या का जो मूल तत्व है
उस व्याख्या के मूल तत्व को अत्यंत संक्षिप्त के साथ आप भाव सौंदर्य के अंतर्गत लिखेंगे। मैं व्याख्या की बात कर चुका हूं और दूसरा इसका पाठ है शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य में भाषा, रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्तियां, भाषा की कुछ और विशेषता, ये शब्द शिल्प सौंदर्य में आएगा। तो इस तरह से आप काव्य सौंदर्य के अंतर्गत भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य दो हेडिंग डालकर पॉइंट वाइज एक एक विशेषता को लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, बस्तियों को शहर की आबो हवा से बचाने की जरूरत क्यों है? कवियत्री क्यों जोर दे रही हैं? ये कविता के साथ का लास्ट क्वेश्चन है। शहर को, जो शहर की संस्कृति है, जो उसे संस्कृति नहीं कहेंगे अपसंस्कृति कहेंगे, जो वहां की अंधाधुंध आर्थिक दौड़ है, एक हवस है भौतिकता की, एक नग्नता है, एक जो पूरा का पूरा एक शहर का एक अपसंस्कृति का माहौल है, उसकी हवा ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से आदिवासियों को बहुत ही प्रभावित कर रही है। तो ये जो सांस्कृतिक हवा है, जिसे अपसंस्कृति मैंने कहा है, संस्कृति का विकृत रूप, संस्कृति तो सकारात्मक चीज है जो मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन जब संस्कृति विकृत हो जाती है वो मनुष्य के सकारात्मक गुणों को बढ़ाने के बजाय उसके नकारात्मक गुणों को बढ़ाती है, तो वही चीज अपसंस्कृति में बदल जाती है। तो ऐसी जो संस्कृत शहरी अपसंस्कृति है, ये जो जब गांव और आदिवासी समाज में धीरे धीरे संक्रमित इसका संक्रमण फैलता है, तो इसी को उन्होंने शहर की आबो हवा कहा है। और ओवरऑल इस कविता का उद्देश्य ही है कि शहर की पश्चिमी सभ्यता संस्कृति की उस प्रभाव से बचाने की बात कर रही है, और जब इससे बचेगा तभी मूल जो संस्कृति, संथाली संस्कृति है या ग्रामीण संस्कृति है या जो भारतीय संस्कृति है, वो बच सकती है। स्वभावगत वेशभूषा, वनस्पति विहीन नग्नता का जो से जो बचाने का प्रयास है वो सामूहिक तौर पर ही संभव है, वो एक व्यक्तिगत स्तर पर संभव नहीं है। शहरी जिंदगी में उमंग, उत्साह एवं अपने पन का जो अभाव होता है, जो शहर के लोग अलगाव भरी जिंदगी, एकांत भरी जो जिंदगी जीते हैं, ये सब शहर की आबो हवा के अंतर्गत आते हैं, और इसी वजह से मनुष्य अवसाद से ग्रस्त होता जा रहा है, समय से पहले अपने जीवन को खत्म करने के बारे में सोचता है और तरह तरह की मानसिक विकृतियों से ग्रस्त होता जा रहा है। इसलिए कवियत्री कहती हैं कि बस्तियों को, अर्थात ग्रामीण संस्कृति को, जनजातीय समाज को शहर की इस आबो हवा अर्थात अपसंस्कृति से बचाने की बहुत जरूरत है। कविता के आसपास बच्चों दो प्रश्न है, दोनों ही प्रश्नों को आपको करना है। पहला प्रश्न है, आप अपने शहर या बस्ती की किन चीजों को बचाना चाहेंगे? तो ये देखिए, मैंने वो सारी चीजें जो बचाना है वो कविता में दिया हुआ है। आप व्याख्या का सारा वीडियोस पढ़ेंगे तो उसमें बहुत डिटेल में मैंने सारी चीजें बताई हैं। तो अगर आप अपने आसपास के वातावरण से चीजों को कनेक्ट करेंगे तो कई चीजें आपको नजर आ जाएगा कि हमें क्या बचाना है। तो जो आपके इर्द गिर्द जो चीजें समझ में आ रही हैं उन्हीं को आपको यहाँ पर आंसर के रूप में लिखना है। दूसरा प्रश्न है कि आदिवासी समाज की वर्तमान स्थिति पर टिप्पणी करें। तो आज जो आदिवासियों की जो भौतिक, आर्थिक, राजनीतिक और जो धार्मिक जो स्थिति है, जो उनकी मानसिकता है, जो उनकी प्रवृत्ति है, जो उनका मूल स्वभाव है, जो बदलाव हो चुका है, उसी के बारे में इस प्रश्न के उत्तर के रूप में आपको लिखना है। तो इस तरह से बच्चों ये कविता के आओ मिलकर बचाएं, ये
कविता, ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो रहा है और अब इसके बाद मैं रिवीजन कुछ स्टार्ट करूंगा और रिवीजन के कुछ चैप्टर्स के रिवीजन कराने के पश्चात मैं एक जो चैप्टर एकमात्र बचा है सिलेबस में वो है भारत माता, मैं उसको कुछ दिनों के पश्चात शुरुआत करूंगा।